प्यारे बच्चों, पहले की वीडियो में आप लोगों को द्विघात समीकरण का परिचय मेरे द्वारा दिया जा चुका है। अब आज इस वीडियो में हम अध्याय चार द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 की पहली सवाल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहली सवाल। देखिए, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। देखिए, इसे पहला वाला है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब हमको ये पता लगाना है कि ये जो कथन लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम इसको अपने सरलतम रूप में लाएंगे, तब हमें पता चल पाएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे यहाँ लिखा है x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसका पहले हम विस्तार करेंगे। सूत्र इसमें देखो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि x को अगर हम a मान लें और a को b मान लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी का मतलब क्या हुआ, टू गुणे एक्स इंटू वन। टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर बराबर, अब दो से इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो टू एक्स माइनस दो तिहाई छः। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो दो इकन्नम दो अर्थात दो एक्स आ जाएगा ये, प्लस एक का वर्ग क्या होगा एक बराबर टू एक्स माइनस सिक्स। अब देखिए, अब हम सारे चर अचर को एक तरफ करके बराबर जीरो कर लेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण का की पहचान में या परिभाषा में बताया गया है कि बराबर में जीरो होना चाहिए, तो इसलिए हम सभी चर और अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। अब देखिए, इसमें इसका सरलीकरण हम लोग कर लेंगे, इसमें जो कटने योग्य बातें होंगी उसको हम काट देंगे। जैसे इस 2x से ये 2x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। अब देखो हमारा क्या बचा, x स्क्वायर बच रहा है, इसके बाद 1 और 6 मिलाकर 7 बराबर क्या जीरो। अब अगर देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 7 ये एक द्विघात बहुपद है, और जिस द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो होता है उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाता है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स बराबर जीरो ये कथन प्राप्त हुआ, ये इसी कथन दिए गए कथन से ही इसकी प्राप्ति हुई है, इसलिए दिया गया कथन जो है वो द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल जीरो में चर एक्स की उच्चतम घात दो है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसी तरह हम प्रश्न संख्या दो को भी चेक कर सकते हैं कि यह दिया गया कथन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए हम प्रश्न संख्या दो को भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इजक्वल माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इजक्वल माइनस टू से इसके अंदर हम गुणा कर देंगे। देखो यहां माइनस है और यहां पर प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, दो तिहाई छः। इस माइनस और इस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, दो का गुणा एक्स में कर देंगे दो एक्स। अब देखो, अब सभी चर और अचर को हम एक तरफ कर लेंगे और बराबर जीरो कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स बराबर कितना जीरो। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। अब दोनों माइनस टू एक्स है इसलिए माइनस दो दो चार एक्स हो जाएगा प्लस छः बराबर कितना जीरो। अब देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स ये एक द्विघात बहुपद है, और जिस द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो होता है उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाता है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। हम इसको लिख देते हैं कि चूंकि इसलिए नहीं चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो में
प्रयुक्त चर की घात, प्रयुक्त चर की घात दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है। अब इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या तीन को भी देख सकते हैं। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इजक्वल एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब पहले हम इस ब्रैकेट्स में लिखे गए पदों में, इस ब्रैकेट्स में लिखे गए पदों से पहले हम गुणा कर लेंगे। तो पहले हम x का गुणा x में करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का गुणा माइनस टू में करेंगे माइनस टू एक्स हो गया, फिर प्लस वन से गुणा x में करेंगे तो प्लस x आएगा, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस एक तो के दो बराबर। इसी तरह इसका भी हम लोग कर लेंगे तो x का गुणा x में x स्क्वायर, अब x का गुणा माइनस वन में करेंगे तो माइनस x, तीन से गुणा x में करेंगे तो प्लस तीन x, तीन का गुणा माइनस वन में करेंगे तो माइनस तीन। अब हम सभी चर और अचर को एक तरफ कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, इधर के सारे पदों को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर करने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, बराबर कितना जीरो। अब हम इसका सरलीकरण कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर से हमारा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये टू एक्स और ये एक्स का जब हम सरलीकरण करेंगे तो ये माइनस एक्स बचेगा और ये माइनस टू यहां पर बचा हुआ है। इसके बाद थ्री एक्स और एक्स का सरलीकरण करेंगे तो माइनस टू एक्स पा जाएंगे और प्लस तीन हम उतार लेंगे, बराबर कितना जीरो। अभी फिर से इसका सरलीकरण कर लेते हैं, माइनस टू एक्स और माइनस एक्स मिलाकर माइनस तीन एक्स और तीन में से दो घटेगा तो प्लस वन बचेगा, बराबर जीरो। अब देखिए इसके बराबर में जीरो जरूर है जरूर, पर ये जो माइनस थ्री एक्स प्लस वन है ये एक रैखिक बहुपद है, तो जब रैखिक बहुपद के बराबर में शून्य होता है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण नहीं। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल जीरो में प्रयुक्त चर की घात, प्रयुक्त चर की घात एक है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या चार को भी इसी तरह से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या चार में भी देखिए यही काम करना है आपको, है पता करना है कि यह दिया गया कथन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से आपको कार्य करना है, तो आप पहले टू एक्स से x में गुणा करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर आप पाएंगे। देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जैसे इस पर एक घात है और इस पर एक घात, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसकी घात और इसकी घात जुड़ जाएगी तो एक दो। फिर टू एक्स का गुणा माइनस तीन में करेंगे तो माइनस तीन दूनी छः एक्स। अब देखो टू एक्स हमने दोनों पद में गुणा कर दिया, अब हम एक से गुणा करेंगे इसमें तो पाएंगे प्लस एक्स माइनस एक तिहाई तीन, बराबर अब एक्स का गुणा इसमें हम करेंगे तो एक्स का गुणा जब एक्स में करेंगे तो क्या पाएंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स का गुणा पांच में करेंगे तो क्या पाएंगे प्लस पांच एक्स। हम सारे चर अचर को एक तरफ करके बराबर जीरो कर लेते हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। अब इधर के पदों को इधर पक्षांतर कर लेना है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहां आकर निगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव हो जाएगा, बराबर क्या जीरो। अब हम इसका सरलीकरण कर लेते हैं जिसको अंग्रेजी में सिंपलीफिकेशन भी बोलते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर घटा देंगे चूंकि इसका सहायक यही बनेगा, तो टू एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब सिक्स एक्स और ये प्लस एक्स, इसका दोनों का सरलीकरण माइनस फाइव एक्स होगा,
और माइनस फाइव एक्स में जब ये माइनस फाइव एक्स जुड़ेगा तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं आपस में, तो एक्सों का सरलीकरण हो गया। अब एक्स स्क्वायर का भी सरलीकरण हो गया, एक्स का भी सरलीकरण हो गया, तो अचर पद के रूप में कौन है, माइनस तीन, तो माइनस तीन लिख देते हैं बराबर क्या जीरो। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री, यह एक द्विघात बहुपद है और जिस द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो होता है उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री स्क्वायर जीरो ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देते हैं कि चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री स्क्वायर जीरो में प्रयुक्त चर की घात, प्रयुक्त चर की घात दो है, इसलिए प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हमने प्रश्न संख्या एक में आठ प्रश्न दिए थे, आठ में से हमने आपको चार प्रश्नों का हल इस वीडियो में बता दिया। शेष चार प्रश्नों को आप लोग करिए, जो जिस प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत होगी उसको अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे हमें, तो हम अगले वीडियो में प्रश्नों को हल करके आपको बता देंगे। अब इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या दो के प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।